झाबुआ रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की आदेश से सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को झाबुआ में जय संगठन ने सांसद गुमान सिंह डामोर का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल लगातार चर्चा में रहे झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर का पुतला गुरुवार को झाबुआ जैन संगठन द्वारा जलाने के लिए नगर के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए, जहां पर पुलिस के द्वारा उनसे पुतला छीन कर उन पर पानी डाल दिया गया। वह पुलिस प्रशासन द्वारा पुतला नहीं जलाने दिया गया और जैस संगठन द्वारा दूसरी बार पुतला जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें पुतला जलाने में उन्हें लगभग कामयाबी मिली है। वहीं जैस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। बताइए इसके बारे में। हमने पुतला इसलिए दहन करा सांसद गुमान सिंह डामोर का कि उन्होंने फ्लोरोसिस जो बीमारी उसके पैसे 600 करोड़ रुपया जो उन्होंने मतलब खा गए वो। और दूसरा एक स्कूल घोटाले का जो भी वो करोड़ रुपया आए थे उन स्कूल घोटाले के 19 करोड़ के आसपास रुपये आए थे वो लोग, वो पैसे भी उन्होंने वो खा गए। तो इसीलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं और समाज का होकर समाज के पैसे मतलब आदिवासी समाज का होकर आदिवासी समाज के जो पैसा आया था सरकार ने दिया था वो पैसा भी खा गए। तो हम इसलिए उनको पद से इस्तीफा देने की मांग करते हैं और उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर पुलिस प्रशासन उनको जेल में डाले कार्रवाई कर जल्द से जल्द। सांसद महोदय ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, उसमें बोला कि वो 600 करोड़ का घोटाला मेरे द्वारा नहीं किया गया। पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं तो जो तो वो साबित हो गया। अगर कोर्ट साबित करे, कोर्ट करेगी उनको कि भाई तुम शोर हो मतलब ये तुमने करा घोटाला करा या फिर किसी और ने करा, वो तो कोर्ट करेगी। लेकिन अभी तो उन पर आरोप लगे तो रहेगा ऐसा ही। उन्होंने 600 करोड़ रुपये घोटाला किया और प्रेस घोटाले में भी 19 करोड़ के आसपास उन्होंने घोटाला कर गया है झाबुआ जिले में। तो उनका सबका विरोध करते हैं, इसीलिए हमने गुमान सिंह डामोर का पुतला जलाया और पूरे प्रदेश में एक साथ जलाया। और हम मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी वो इस्तीफा दे और पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्द कार्रवाई करें। इस दौरान भारी पुलिस बल मोर्चा संभाले हुए मौजूद थी, तो वही बड़ी संख्या में जय संगठन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन किया है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।